का दूसरा सबसे बड़ा निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई किट का उत्पादन करने वाला बन गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई निर्माता बन गया है। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देश भर में सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल के आखिरी दिन संबोधन के दौरान देश को कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के बारे में आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 इलाज की आशा को लेकर आ रहा है और कोरोना वैक्सीन की तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखने के बाद उम्मीद जताई कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश ने एकजुटता दिखाई, उसी प्रकार टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भदोही में 197.21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कॉपरेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण किया। योगी सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करते हुए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में सुपर स्पेशलिटी कोर्सों के विस्तार करने के निर्णय पर मुहर लगा दी है। नए साल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए संस्थान के दो विभाग में जहां पहली बार नए कोर्स शुरू होंगे, वहीं एक विभाग में पीजी सीटों का इजाफा किया जाएगा। ऐसे में कोर्स करने वालों डॉक्टरों की तादाद में भी इजाफा होगा। लखनऊ में विश्वविद्यालय से अब हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर और रायबरेली के कॉलेज आधिकारिक रूप से सहयुक्त हो गए हैं। विधि में आज हुई कार्य परिषद की बैठक में इन जनपदों के कॉलेजों को लवेली का हिस्सा स्वीकार कर लिया गया। 3 दिवसीय दक्षिण कोरियाई दौरे के तहत भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे कोरियाई सेना के मुख्यालय गिरयान पहुँचे, जहाँ उन्हें रिपब्लिक ऑफ कोरिया की आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सेना प्रमुख नरवणे ने इसके बाद अपने समकक्ष कोरिया के सेना प्रमुख जनरल नाम यांग शिन से मुलाकात की। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।